वेलकम बैक टू मेडिकल अब्दुल्ला। तो हमारे पेपर जी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके हैं सारे। तो आज मैं वैसे यूनिवर्सिटी आया हुआ था, वीज़ा लगने दिया हुआ था, तो वीज़ा मुझे जी मिल गया हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया हुआ था कि 25 जून तक जिसका भी कोई काम है दफ्तर में, ऑफिस में, वीज़ा लगाना है, एक्सटेंड करवाना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी करवा लो। तो मैं पाकिस्तान गया था, तो पाकिस्तान मार्च में, तो पाकिस्तान से जब वापस आया तो इंट्री मेरी हो चुकी थी। हमारा वीज़ा ऐसा होता है कि वन टाइम इंट्री वीज़ा होता है, तो जैसे ही आप एक दफ़ा इंटर करते हैं मुल्क के अंदर तो आपका वीज़ा तकरीबन एक्सपायर हो जाता है, आपको न्यू लगवाना पड़ता है। तो इसलिए मैं भी एहतियातन लगवा दी, क्योंकि इसके बाद छुट्टियाँ हो रही हैं 3 महीने की, तो ऑफिस वगैरह बंद होने थे, तो मैंने कहा एमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने वीज़ा फिर लगवा ही लिया और आज मुझे मिल गया। तो आज 22 जून है, 3 दिन रहते हैं ऑफिस बंद होने में। तो बाकी जी व्लॉग इंशाल्लाह शुरू हो गए हैं, अब छुट्टियों में सिर्फ यही काम है व्लॉग्स। इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आनी है ना मेडिकल की और बाकी जो सारी व्लॉग्स वगैरह, अब जो सारी कमी पूरी करनी है, जो पेपरों की वजह से पूरा महीना कोई वीडियो नहीं मैं बना सका, अब इंशाल्लाह रोज़ एक या दो वीडियो रोज़ क्या करेंगी। गाड़ियों की लाइनें ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि बारात आई हो यहाँ पर, जबकि ये बारात नहीं है, यहाँ पे हो रही है रेसलिंग। और ये बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी के पास ना एक अरीना बना हुआ है, यहाँ पे सर्दियों में होती है वो नहीं होती आइस हॉकी, आइस स्केटिंग वगैरह जिसे कहते हैं, वो होती होती है। और अब ये सीज़न है यहाँ पे हो रही है वो रेसलिंग वगैरह, वो जो लगा हुआ है रेसलिंग बिश्कीक इसका मतलब है नाम है जो अब हो रही है, और इसका जो वैसे इसको कहते हैं कि यू U23 एंड U17 वाले को, जो मतलब कि 17 साल और 23 साल से छोटे वाले हैं उनकी हो रही है, इसका नाम है UWE। जैसे वो WEE होती है ना, मतलब कि वर्ल्ड रेसलिंग वाली, जैसे इनका बनाया हुआ। ये बसेज आ रही हैं बार बार के यहाँ पे, इनसे मतलब जो खिलाड़ी आ रहे हैं और बाकी आवाम इतनी ज़्यादा यहाँ पे, इंटर अभी हो के मेरे ख्याल में मैच ख़त्म हुआ, निकल रही है भी यहाँ से। ये बाबा जो है ना, ये हमारे साथ सुबह बस पर बैठ के आया, पता नहीं कहाँ से, इस बेचारे को पता नहीं लग रहा था मैं स्टॉप पर कहाँ पर उतरना है, तो ये रेसलिंग देख के यहाँ पे निकला है। देखें इस गेम की वजह से ये पुलिस लेके जा रही है काफले को उनके होटलों में, जहाँ जहाँ उनकी रहायश है, मतलब खिलाड़ियों के जो मेहमान आए हुए हैं बाहर से, उनको ये मशरूत को के अंदर हैं होटलों में, जो उनका नाम भी लिखा हुआ जिस होटल में जाना है उस हिसाब से जा रहे हैं सर। ये क्या एक होटल वाला मशरूत का, ये दूसरे वाला, इसमें सब में मेहमान है VIP मर्सिडीज वाले, ये तमाशा ही थे जो बाकी पीछे गाड़ियों वाले जो देखने आए होंगे वो वाले थे। तो हमारा गर्म पानी तो चालू हो गया, लेकिन फिर तो गर्म पानी जैसे ही चालू किया तो ये पैर जोड़ों जो ना पाइप थे जो बहुत जिनके जोड़ वगैरह जिनके जंग वगैरह अंदर से उतर गया था, जिसकी वजह से लीक हो गए थे, यहाँ से भी लीक हो गया था, फिर हमने शापर बांध दिया तो अब तकरीबन ठीक हो गया, जंग दोबारा लग गया। और ऐसे ही ना गर्म पानी का ये वाला पाइप था, यहाँ से जो गर्म पानी जाता है ये भी लीक हो गया सारा फाट गया, इसलिए गर्म पानी बंद कर दिया हुआ है। और खजाइका को हमने मैसेज कर दिया हुआ है, वो प्लम्बर लेके आ जाएगी, तो इसलिए मैं अभी करने लगा हूँ जी वाशरूम साफ, क्योंकि ठंडा पानी जब से चल रहा है तब से हमने साफ़ ही नहीं किया, क्योंकि उससे साफ़ नहीं होता था, तो अब इससे करते हैं साफ़। सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं जी कोमेट, कोमेट डाल के सारा इसको थोड़ी देर के लिए भगो देंगे, तो फिर आगे तब तक सारा उगल जाएगा, मतलब कि गीला हो जाएगा, फिर इसको आके वो मार देंगे ब्रश से साफ़ कर देंगे सारा टब, कभी कितना गंदा हुआ बड़ा टब, तो महीना पूरा होगा साफ़ नहीं किया, ठंडा पानी साफ़ नहीं होता था। अब इसको 10 मिनट बाद आके ब्रश मार देंगे जिससे साफ बिल्कुल कड़क हो जाएगा। टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, अब बारी है साफ़ करने के, इसको साफ सबसे पहले कमोड, फिर बेसन और फिर तब करते हैं चिकोजी धो दिया इसको साफ। ये नहीं, ये तो गया चमक। अब बारी है जी बेसन की, इसको ब्रश मार देते हैं ऐसे ही साफ हो जाता है। जी टना टन हो गया, कमोड बेसन टर हर चीज चमक रही है, चमक मेरे तो दीजिए साफ करिए। तो बच्चे बनाने लगे थे जी आज केक पैन केक, तो कुछ ये बनाया इन्होंने, जल गया सारा, पता नहीं उसमें टेम्परेचर, क्योंकि चूल्हा हमें उसके ऊपर शो नहीं होता टेम्परेचर कितना, कंट्रोल नहीं हुआ, तो इसके अंदर रखा था, तो कुछ ये रहा, बाकी जो सेंटर में था ये ज़्यादा कच्चा रह गया, वो वाला ज़्यादा सबसे नीचे वाला नीचे लग गया, और ये थोड़ा सा था ये सेंटर वाला था जो मतलब कि ना कच्चा था ना पक्का था, अब उसको फ्राई कर रहे हैं या भून रहे हैं जो भी समझ लो आप, उसका ये मिक्सचर मान रहा है। तो बच्चों ने ट्राई किया, कोई बात नहीं, पैसे लगे टाइम लगा, कोई नहीं इंशाल्लाह सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और हमारे पास बर्तन भी नहीं थे ना सही, इसलिए इसके अंदर बनाया, इसके अंदर आके लेकिन इसलिए नहीं सही बना, कोई नहीं तजर्बे से आता है जी सबको, हम भी सीख जाएंगे कोई बात नहीं इंशाल्लाह कभी बना लेंगे। पिज़्ज़ा बनाना सीख लिया था बन गया था, तो अब अगली बार केक भी सही बन जाएगा, देखो कैसे पूरे का पूरा उसकी रोटी बन गई है। ये बच्चा बैठा हुआ इसके बगैरत के काम देखे जालम साहब, वो बच्चा छोटा सा पता नहीं किस परिंदे का है,
ये साथ बिठाया हुआ है, उसको मैं दो दिन बैठे हुए कभी देखे वहाँ से, मतलब वहाँ से उठा उठा के उसको तीलियाँ मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, हाथों में पकड़ में दौड़ रहा है, बहुत देखो वैसे गुजरते हुए किसी के पाँव के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा बेचारा मासूम सा छोटा सा। पता नहीं बेचारा कहाँ से गिरा हुआ है, अब ये इसके हाथे लग गया, उसको रास्ते में रख रहा है, भी किसी ने आते जाते पाँव के नीचे आके बेचारे ने मर जाना। इसने वो औरत भी इशारा कर रही कि इसको उठा के रख वहाँ पे फेंक, लेकिन वो नहीं, मर जाना इसने, ये नहीं बचेगा, उम्मीद है इसके हाथों से नहीं बचेगा। मैं ज़रा पार्क में आया था वॉक करने, तो बच्चा फुटबॉल खेल रहा था, मैं कहा चलो, अकेला था कोई था नहीं उसके साथ, तो मैं कहा चलो बेटा तुझे फुटबॉल खिलाता हूँ, तो अब हम फुटबॉल खेल रहे हैं ज़ोरों से, एक ये गिरा पड़ा, फिर छोटा बच्चा बेचारा अकेला था इसलिए मैं इसके साथ खेलने लगा, मैं वॉक शॉक करके घर जाने लगा था, फिर मैं कहा चलो खिला दूँ इसको थोड़ा सा, वो खुद भी ज़रा वॉक हो जाएगी, जो मेरे के कॉमिक खेल अपना कह सकते हैं, वैसे तो रेसलिंग है लेकिन फुटबॉल बहुत खेला जाता है, जैसे अपने क्रिकेट खेली जाती है, तो यहाँ पे सारे जितने खेल रहे हैं सारे फुटबॉल ही खेल रहे हैं। बच्चे को ज़रा भगा भगा के इसकी तबीयत में अगर साफ़ करूँ, कार उसने मेरी भी साफ़ दी है, मुझे भी सांस चढ़ गया हुआ है, वो गया हुआ लेने इतनी दूर मारी, ये आ गया, ऐसा बच्चा था लेकिन फिर भी थका नहीं उनका, क्योंकि रोज़ का काम है ना वो, इनका काम ही जब फ्री टाइम होता है ना खेलते इस तरह के खेले खेलते हैं, तो मैं तकरीबन 10 मिनट खेला होगा और मेरी टांगे वो भी काम नहीं कर रही और सांस मेरा ऐसे फूला हुआ इतना ज़्यादा, तो मैं ऐसे कहा कि बाइक के मैं तो गया हूँ थक, तू खेल अपनी खेल जारी रख, वो अभी भी वहाँ खेल रहा है और मैं वापसी घर का रास्ता पकड़ रहा हूँ, और मज़ा आया खेल के, खाया पिया खाना खा के आए थे, सब नीचे हो गया, हजम हो गया, सुकून से एन हल्का फुल्का बंदा हो के अब घर जा रहा, सुकून से जाके काम करते हैं अपना, पढ़ते हैं जो भी करना है, खेल मतलब कि गेम करनी चाहिए इंशाल्लाह, आइंदा से जैसे छुट्टियाँ आ गई हैं ना, तब छुट्टियों में गेम किया करेंगे कोई ना ज़रूर।